ऑफकोर्स जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट अगर हम उन सबके बारे में बात करने पे आए तो बहुत टाइम निकल जाएगा और हम टॉप टीयर जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर्स को रैंक भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हम सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका सोल्यूशन है टीयर लिस्ट। हम इस वीडियो में मेरे फेवरेट जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि मेरे हिसाब से कौन एस टीयर पे आता है और कौन डी टीयर पे। खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जुजुत्सु काइसेन में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बट इतने भी नहीं कि इन्हें रैंक करने में बहुत टाइम लग जाए। और हाँ, जुजुत्सु काइसेन के ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास हैं। तो इनको मैं कितना पसंद करता हूँ उस बेसिस पे इन्हें यहाँ रैंक करूंगा। ये कितने चूतिए हैं, कितना अच्छे, वो आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इससे। छी, नहीं, मेरे ऑन अ सीरियस नोट ये एक नया कैरेक्टर है। इसके बाद आती है ये जशकड़ी, ये एक ओके कैरेक्टर है। माही तो छी 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 छी, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बट सीरियसली, माहितो से बुरा मुझे जुजुत्सु काइसेन में कोई कैरेक्टर नहीं लगता। अगर छी से भी नीचे कोई रैंक होती तो शायद मैं इसे वहाँ ज़रूर डालता, बट नेवर माइंड। ओह, ये भाई साहब जो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब, अगर मेरे पास ही पावर होती तो। खैर छोड़ो, ये एक अमेजिंग कैरेक्टर है मेरे ख्याल से। बट अगर जुजुत्सु काइसेन में इसको और स्क्रीन टाइम मिलता और ये अगर थोड़ा सा और पावरफुल होता तो नो डाउट ये मेरा प्यार होता। बट ठीक है, यूटा, सीरियसली गाइस, इसको आना पड़ेगा टॉप में। पता नहीं क्यों बट यूटा स्पेशल ग्रेड है या किस लिए, बट यूटा, उसकी बैक स्टोरी, उसकी रीका और हाँ रीका भी, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और अगर आपको नहीं पता तो यूटा दूसरों के पावर्स को चोरी कर सकता है या कॉपी कर सकता है। हाँ, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। ये ओके, ये एक मेरा लव हो सकता था बट शायद मैं इसे अमेजिंग में भी नहीं रखूंगा। मेरे ख्याल से एक ओके कैरेक्टर है। नहीं, हाँ ये मर गया है बट स्टिल। ओह, मे, अगर इसे कुछ और खास सीन दिखा दी जाते तो शायद ये लव से भी ऊपर होती, बट हाँ अमेजिंग अमेजिंग। ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत प्यारी कैरेक्टर लगती है मुझे। ए, 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 भाई इसको हटाओ ना इसकी बात ही मत करो। भाई तू कौन है? छी छी, जस्ट किडिंग। ये ज़ेनिन क्लैन का हेड है जो कि मेरे ख्याल से एक ओके कैरेक्टर है, या फिर ना। ज़ेनिन क्लैन का हेड होने के बावजूद भी इसने कुछ खास पोटेंशियल शो नहीं किया। ये कैरेक्टर भी मुझे ओके लगता है, हालांकि ये बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजंस लेता है, दैट्स द रीज़न मैंने इसे यहाँ पर रैंक किया है। ओह, ये बंदा अमेजिंग, नो डाउट, ये एक अमेजिंग कैटेगरी में आता है। फुशीगुरो की बहन, हाँ ये गलत है, आई नो, ओके, यू नो मुझे मॉमीज पसंद है तो दैट्स गुड। स्पेशल ग्रेड, ओके, हमारे जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में बहुत ही कम स्पेशल ग्रेड्स होते हैं। ओके कैरेक्टर। केनचाकू, ओके कैरेक्टर, आई एम सॉरी, ये एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है। ये कौन है? अच्छा, इसी के पीछे इतादोरी और उसका दोस्त पड़े रहते हैं, सीरियसली? ओके, तो ये कैरेक्टर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे ख्याल से मेरे दिल में इसके लिए काफ़ी अच्छा फीलिंग है। अमेजिंग। डागून, छी छी, साकुरा बट बेटर। भाई साहब, ये बंदा अगर थोड़ा सा और अच्छा होता तो ये अमेजिंग कैटेगरी में आ जाता। इसकी पावर मुझे बहुत अच्छी लगती है बट इसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला, बट रिसेंटली सीजन 2 में जो उसने पोटेंशियल शो किया उसके बाद ये एक अमेजिंग कैरेक्टर है। गेतो, अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे हेट करेंगे। गेतो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट इज़ द रीज़न गेतो एक ओके कैरेक्टर है। गोजो, बिना किसी डाउट के ये सबसे ऊपर आएगा। मेकामारू, भाई साहब मेकामारू मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डल कैरेक्टर लगता था और अगर सीज़न 1 की बात करें तो ये एक नया कैरेक्टर है, बट सीज़न 2 में जो उसने पोटेंशियल शो किया था उसके हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कैरेक्टर है। नानामी, ईजली लव में आ सकता था अगर ये थोड़ा सा और पावरफुल होता तो, बट सैड, ये एक अमेजिंग कैरेक्टर है। सुकुना, नो वर्ड्स, जस्ट। इतादोरी, अब गाइस इतादोरी एक ऐसा कैरेक्टर है
जिसे मैं तभी पसंद कर सकता हूँ जब वो अपने बाल ऊपर कर ले, मतलब आप समझ गए ना। तो ये मेरे ख्याल से इतादोरी एक बहुत ही ओके कैरेक्टर है। मैगुमी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये थोड़ा सा डल है। बट हाँ, ये प्योर हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा जेंटल इंसान है। तो यस, ये एक अमेजिंग कैरेक्टर है। माकी लव, पांडा लव, ओके, ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये डरपोक है, ये नरुतो के शिकामारू जैसा है, ये लड़ाई से दूर भागता है। मेरे ख्याल से मैं इससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। ये एक अमेजिंग कैरेक्टर हो सकता था अगर मांगा को एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो ये एक ओके कैरेक्टर है। मैं इसे नहीं जानता। छी, ओके, ये एक अच्छा कैरेक्टर है। हालांकि सीजन्स में इसे नहीं दिखाया गया, बट मांगा में ये एक अमेजिंग कैरेक्टर है। नै, छी, ये कौन है भाई? छी, ओ मैं लड़कियों के लिए काफ़ी सारा बायस्ड हूँ। छी छी बट गाइस, या मेरे ख्याल से जुजुत्सु कैसन का टीयर लिस्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने कहाँ किनको कैसे रैंक किया है, लड़कियों को छोड़ करके। उनके लिए मेरे दिल में थोड़ी अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक मैं आपको मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मैं आपको मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड गुड लक।